ये एक देश एक गारंटी, अभी आप लोग एक देश एक इलेक्शन, एक देश एक इलेक्शन, ये नई गारंटी आप दे रहे हैं अब तो। ये आपकी मोदी जी की ये जो पॉपुलैरिटी है, बढ़ाएंगे घटाएंगे ये रेटिंग? नहीं, देखिए मैं किसी भी तरह के अपुष्ट जो है बातों पर कोई बयान नहीं दूंगा, क्योंकि ये संसद का विषय है। संसद में अभी इसके कार्य वो तय होंगे, पार्लियामेंट के बकायदा एजेंडा बनते हैं, इसलिए मैं इसके कोई बात नहीं करूंगा। सर ये क्या क्या होगा इसमें फिर? नहीं, जो भी होगा अभी दिख जाएगा, आज उसकी घोषणा हुई, आगे एजेंडा भी आएगा, क्योंकि हर बार संसद ऐसे तो चलता नहीं है। ऐसे तो नहीं, आपके कहने से मैं थोड़ी ना जवाब दे दूंगा। सर आपके पास कौन सा प्रूफ है कि एजेंडा क्या है? यदि है तो आप घोषणा कर दीजिए विधिवत। मैं ये कह सकता हूँ, आप तो एक अच्छे एंकर है, समझदार एंकर है। बिल्कुल सही बात। जब पूरा पार्लियामेंट का एजेंडा होता है, किसी के न सोनिया गांधी के घर में एजेंडा तय होता है, न अरविंद केजरीवाल के घर में तय होता है, यहाँ पर जो भी होता है पार्लियामेंट के नहीं, यही 70 साल की संसदीय प्रक्रिया है सर, हमने लेखा बस है, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन अभी मैं कुलदीप जी को सुन रहा हूँ, देखा है सब रहता है और संसद से बाहर बयान दे दिए जाते हैं, ये भी देखा, सुन लीजिए। गौरव जी सुजाता जी, के शर्मा की बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं अभी आपको बोलने का मौका दूंगा और अच्छे से दूंगा, आप अच्छे से बोलिएगा, जल्दी से बात पूरी करिए के शर्मा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी कुलदीप जी इतनी बड़ी बड़ी यहाँ बातें कर रहे थे यहाँ पर कि ये अरविंद केजरीवाल, वो अरविंद केजरीवाल, मैं जो है इसकी बात कर रहा हूँ, जमीनी हकीकत क्या है मैं इतना बताना चाहता हूँ। कुलदीप जी थोड़ा ध्यान से अपनी जमीनी हकीकत सुनिए आप। वर्तमान में जमीनी हकीकत यह है कि आम आदमी पार्टी पिछले दो बार से 2014 और 2019 दोनों में आपके पास लोकसभा चुनाव में 0 सीट है, दिल्ली के अंदर 1 भी सीट आप नहीं जीत सके हैं, और पंजाब के अंदर इस बार आपने 3 महीना पहले 1 सीट जीता है। आपका आज प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में सिर्फ 1 सीट का है जो 4 महीने पहले आया है, वरना 19 में आपके पास आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व के लिए वहां स्थिति नहीं, उसके पहले एक भगवत मान जी जरूर थे, तो 1 सीट का प्रतिनिधित्व है। तो देश के सामने अपनी हकीकत रखिए, जवाब देने का, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं इसलिए आप ध्यान से जवाब दीजिएगा इसको। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका प्रतिनिधित्व उतना है। शर्मा जी आप उनको 1 सीट की उड़ाना दे रहे हैं और जानकार तो ये कहते हैं कि वो आपकी मुश्किल हल करते हैं हर जगह। कौन? आपकी मुश्किल हल करते हैं हर जगह, क्या बात है सर, आप डांट रहे हो। ये तो कांग्रेस का आरोप है जिसके साथ ये बैठे हुए आज, ये तो कांग्रेस का आरोप है जनाब जो इनके साथ बैठे हुए नहीं, आज तक जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताती रही। ये एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो तो लिस्ट जारी करते थे। दम है राजकुमारन जी, कितना दम है कि आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी को फायदा होता है? आम आदमी पार्टी के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अभी कर्नाटका में राहुल गांधी का भाषण सुना रहे थे आपने, लेकिन कर्नाटका के एक मंत्री गुंडू राव आए थे, दिल्ली स्कूल को सर्वेक्षण किया, ये के शर्मा क्यों भूल जाते हैं पता नहीं है। गुंडू राव ने आकर के स्कूल को बोला ये हाइप है, ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये ठीक नहीं है, उसको क्या जवाब देंगे आम आदमी पार्टी? क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में चलती है, आम आदमी पार्टी अनार्किस्ट पार्टी है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं है। सेकंड थिंग, जैसे मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का दम है नहीं है। अब मैं इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर आता हूं। सुजाता पॉल, 3 दिन का विशेष सत्र, एक देश एक इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? एक देश एक इलेक्शन एक शगुफा है, क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय दल भी तैयार नहीं होने वाला, मगर ध्यान भटकाने की कोशिश है, क्योंकि आज तो अडानी है मुद्दा, और एक व्यक्ति की भक्ति देशभक्ति नहीं होती। अगर देश से प्रेम करते हैं तो अडानी पर सवाल करिए। आपने तो जो सर्वे दिखाया पूरी दुनिया को, अडानी आ गया, तो आप जो अडानी में वेट कर रहे थे, चाइना आना है अभी, अडानी आ गया, चाइना आ गया, उसके ऊपर सवाल नहीं करना है, क्यों? भाजपा के प्रवक्ता रामगोपाल। लेकिन के शर्मा जी को मैं ये जरूर कहूंगी कि 1950 में जो योजना आयोग बनाया था उसी का नाम बदला ना अभी, क्योंकि बता रहे थे आप IIT जो 1950 में बनाया गया और 1956 में, 56 इंच के सीने नहीं थे उस वक्त, एम्स बना था, थोड़ा सा याद कर लिया करिए, 1961 में IIM बना था, NID बना था, 1954 में नेशनल डिफेंस अकेडमी, आपका NDA नहीं, और घमंडिया का स्पेलिंग आपको पता नहीं, घमंडिया घमंडिया, यानी कि आप ही लोग हैं वो अहंकारी जो देते हैं इस तरह की गाली, क्योंकि देश पर विश्वास नहीं। इंडिया नाम अपने राजगोपाल जी, आप हंस बहुत मासूम तरीके से रहे, प्लीज थोड़ा मत हंसिए, सुजाता जी की बात पूरी नहीं हो पा रही है।
इंडिया से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब इंडिया का नाम आता है तो आपको आतंकवाद ही तो फैलाया है मणिपुर में, आतंकवाद ही तो फैलाया है राजस्थान छत्तीसगढ़ 1,00,000 का हेल्थ इंश्योरेंस राजस्थान में मिलता है।